नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग विद प्रजापति में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश। तो चलिए अपने वीकली स्टॉक एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि वो कौन से दो या तीन स्टॉक है जो आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा मुंह दे सकते हैं, तो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और देखेंगे उन स्टॉक के बारे में और समझेंगे कि क्यों उस स्टॉक में अपने को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक अभी यहाँ से अच्छा मूव दे सकते हैं। तो हालांकि स्टॉक हर हफ्ते और हर वीक और हर रोज़ बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला है कि हर वीक दो स्टॉक मैं आपको प्राइस एक्शन के साथ बताऊँगा जिसमें अच्छा मूव आ सकता है। और अगर वैसे कुछ अलग से कोई वीक के बीच में कुछ अच्छे मेरे को सेटअप दिखते हैं तो मैं आपको उसके बारे में भी प्राइस एक्शन के हिसाब से बताऊंगा कि उसमें मेरा क्या एनालिसिस रह सकता है। जैसा कि आपने देखा रहेगा तो मेरा इससे पहले के वीडियो में मैंने एक आपको स्टॉक के बारे में बताया था जिसका नाम था इमेजिका। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट लिमिटेड करके था जिसको हमने, ये तो मंथली चार्ट है उसका, मैं आप डेली में जाके उस दिन जब इसका प्राइस हुआ ना उस दिन का ही मैं आपको स्टॉक बता देता हूँ। ये हमने 84-85 के समथिंग उसको बाय किया था वो स्टॉक में, और मैंने अपना पोजीशन भी उसमें बताया था। और ये स्टॉक को ये देखो उसके बाद में इसने कितना परसेंट का मूव दिया एक दो दिन में, तो मैं आपको वो भी एक बता देता हूँ कि उसमें अपने जो एंट्री थी वहाँ के बाद में लगभग 13-14% का मूव उसने दिया है। तो ये दो दिन में ही हो गया मुझे। तो जो भी ऐसी प्राइस एक्शन के साथ में होता है वो, और अभी ये स्टॉक पोजिशनली जिनको होल्ड करना उनके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसने मंथली में वीकली में इसने ब्रेकआउट किया है। वॉल्यूम भी यहाँ पे देखना चाहिए, हमेशा स्टॉक को पिक करते समय वॉल्यूम का भी ध्यान रखना है। कुछ मेजर रेजिस्टेंस अगर प्राइस एक्शन के साथ में ब्रेक कर रहा है तो हमेशा वॉल्यूम जरूरी है। मैंने जैसा कि आपको बताया हुआ है तो ये वॉल्यूम के साथ ने ब्रेकआउट किया और वहाँ से अच्छा अभी ये जाएगा क्योंकि देखो मार्केट अगर ख़राब होएगा तो अच्छे स्टॉक भी गिरने ही गिरने, लेकिन ये आने वाले समय में अपने टारगेट को अचीव करता हुआ दिखेगा आपको जो कि 205 है। अगर मार्केट अच्छा रहता है तो ये जल्दी करेगा, नहीं तो उसको धीरे धीरे ये अपने टारगेट की ओर जाएगा। अभी देखते हैं अपने आज के हफ्ते के दो वो स्टॉक जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो इसमें पहला जो स्टॉक रहेगा उसका नाम है, पहला जो स्टॉक उसमें दो स्टॉक है, एक इसका नाम है नागरिका एक्सपोर्ट करके, ये नागरिका एक्सपोर्ट है, उसको थोड़ा अपने वॉच लिस्ट में रखें। और अगर ये स्टॉक में ब्रेकआउट आता है अच्छा तो ये स्टॉक भी यहाँ से अपने जो टारगेट है उस टारगेट तक जाने की कोशिश करेगा क्योंकि इसमें भी कंटिन्यू प्राइस सपोर्ट लेता हुआ ट्रेंड लाइन से, और यहाँ पे जाके एक यहाँ पे बेस बना रहा है, प्राइस कंटिन्यू यहाँ एक बेस में है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और वॉल्यूम भी कंटिन्यू आप देखेंगे तो वॉल्यूम कंटिन्यू ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो वॉल्यूम का ऊपर जाना और अपने एक प्राइस को होल्ड करना ये एक इंगित करता है, एक अपने को ये दर्शाता है कि ये स्टॉक नीचे गिरने को नहीं है, मुझे ऊपर जाने की ओर तैयार है। तो इस पे अपन वॉच आउट रखेंगे क्योंकि अभी ये वीकली की इंडिसीजन कैंडल है, अगर 44 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो फिर ये आने वाले दिनों में अपने ऊपर के सभी टारगेट आराम से आपको 20% का मूव यहाँ से मिल जाएगा, और बाकी तो जो भी टारगेट है वो आने वाले दिनों में मिलेंगे ही। और छोटे सा स्टॉप लॉस रहने वाला है 4-5 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में, अपन यहाँ से अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ से एंट्री ले लूँगा उसमें। तो एक तो मेरे वॉच लिस्ट में ये स्टॉक है, उसके बाद में इसको डेली में भी देखना है तो डेली में भी देख सकते हैं। डेली में देखिए अच्छा सा बेस बना रहा है, वॉल्यूम पॉपअप हो रहा है, कोई सेलिंग का वॉल्यूम नहीं है किधर भी, कंटिन्यू बाइंग के वॉल्यूम आ रहे हैं। तो इस हिसाब से नागरिका एक्सपोर्ट करके एक अच्छा स्टॉक है, उसको अपन समझ सकते हैं और अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा जो स्टॉक रहने वाला है उसके बारे में भी बात करते हैं, उसको मैं बताता हूँ आपको कौन सा स्टॉक हो सकता है वो। तो वो स्टॉक है जिसका नाम है खंडवा सिक्योरिटीज़ करके,
मिनट, हाँ खंडवाला सिक्योरिटी, ये भी स्टॉक मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन ये अभी तक मेरे प्राइस के वहाँ पे आया नहीं है। जैसे ही अपने प्राइस के ऊपर आएगा वहाँ से अपन इसमें एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, अभी तो फिलहाल इसमें एक पैटर्न में जा रहा है प्राइस, और अगर यहाँ से 36 के लेवल को सस्टेन करता है और निकालता है तो उसमें मेरी एंट्री रहेगी, और फर्स्ट टारगेट इसका 45 का आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। उसके बाद में एक और अच्छा स्टॉक है जिस जो मेरी रडार पे है, उसका नाम है जुआरी एग्रो, एग्रो केमिकल करके हैं, ये भी अच्छा स्टॉक है, इसको भी वॉच लिस्ट में रखें, कंटिन्यू बाइंग में आ रहा है। तो अगर ये भी अपने एक बेस से अगर निकलने की कोशिश करेगा, अगर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ये कंटिन्यू अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर आने आने वाले दिनों में दिख सकता है। तो अभी इसका बेस बना नहीं है, इसको बेस बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक जो दो स्टॉक है वो अभी अपने बेस के ऊपर हैं और अपने प्राइस एक्शन में आ चुके हैं, तो उसके ऊपर वॉच रखें, ये तो मैंने बताया हुआ है। और दूसरा दूसरा एक सेटअप है, उसको मैं बताना चाहता हूँ कौन सा है वो स्टॉक। ठीक है, एक मिनट, मेरा दूसरा स्क्रीन मैं इस शो पे करता हूँ आपको। हाँ यहाँ पे देख लीजिए, इसमें ये तो खंडवा का है, उसके बाद में एक ही है ऑर्बिट एक्सपोर्ट करके, उस पर भी नज़र रखें। कंटिन्यू ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के उधर में आगे अप ट्रेंड में है, और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, और उसके बाद में ये स्टॉक यहाँ से फटेगा तो बहुत ही अच्छा ऊपर की ओर जाएगा। तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखें, क्योंकि ये स्टॉक में देखिए कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ पे अभी इंडिसीजन है, और ऐसा ही सेम प्राइस एक्शन पहले वाले एक स्टॉक के बारे में मैंने बताया था, वो स्टॉक अभी ब्रेकआउट हो चुका है, मैंने आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पिछला जो वीडियो था उसमें बताया हुआ है, तो उसके बारे में बताया। तो ये शिवम ऑटो करके मैंने बताया हुआ था कि देखो ये असेंडिंग ट्रायंगल फॉलो कर रहा है, तो इसमें और उसमें कुछ जैसा फर्क नहीं है। देखो यहाँ पे अभी ये स्टॉक यहाँ पे ये वाला जो मैंने बताया ना, वो इस पोजीशन में, एक बार वापस मैं उस चार्ट को ले जाके आपको देख दिखाता हूँ, इस चार्ट को एक बार देखिए आप, मंथली चार्ट है, मंथली में देखिए इसको प्राइस कैसे हो रहा है, और उसके बाद में मैं ये चार्ट दिखाता हूँ, उसको थोड़ा देखिए, ये और इस चार्ट में कुछ फ़र्क नहीं है, मैं अगर डिजाइन करूँगा तो वैसा ही दिखेगा ये चार्ट कुछ, तो ये ऐसा देखो, ये राउंडिंग और ये राउंडिंग, ये देखिए अभी ये प्राइस यहाँ पे है, तो उसमें शिवम शिवम ऑटो जो था वो यहाँ पे ही था, मैं आपको शिवम ऑटो पे भी लेके जाऊँगा, एक मिनट, एक मिनट, इसमें दो दो चार्ट एक साथ में, धन में फैसिलिटी है, एक साथ में अपन दो चार्ट भी लगा सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपको आमने सामने ये देखने को मिल जाएगा कि क्या है। मैं अच्छी तरह से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हाँ आप खुद समझे, किसी की कहने पे या किसी भी कहने पे आप कुछ स्टॉक बाय सेल लेना ही नहीं चाहिए, आप खुद समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है उसमें। तो रियल देखिए ये है, अभी मैं यहाँ पे वो स्टॉक लगाता हूँ, वो वाला जिसका नाम है, एक मिनट उसका नाम लिख के बताता हूँ, ऑर्बिट एक्सपोर्ट करके था, ऑर्बिट एक्सपोर्ट, ये देखिए अभी उस चार्ट को समझे आप, इसको भी मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ, इसमें ये वाला फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे, ये बड़ा वाला ये पे हो चुका है, ये जो बड़ा था वो ये हो चुका है बड़ा वाला, इसके बाद ये छोटा वाला कप, और इसके बाद ये तीसरा कप, अभी ये तीसरे कप के बाद ये तोड़ेगा, तो उसमें ये फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ था, देखो ये वाला कैंडल था वो यही कैंडल है, और बाई चांस अगर यहाँ से थोड़ा नीचे भी आ सकता तो स्टॉप लॉस ये फिलहाल ये स्टॉप लॉस ब्रेकआउट के बाद ही लेना है, अगर यहाँ से नीचे भी आता है तो अपने को वॉच लिस्ट में रखना है, और उसके बाद जब भी तोड़ेगा ये देखो रिवर्सल हुआ, और अभी
ये रिवर्सल होने के बाद में ये मंथली चार्ट है, आप उसमें देखेंगे कि कितना परसेंट का मूव आया है। जैसे ब्रेकआउट मिला इस कैंडल से ऊपर 40%, 40% का मूव एक हफ्ते में, तो ये होता है इस तरह से ये प्राइस एक्शन है। तो इसमें भी वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा अगर सही जाता है, तो उसको अपने अलर्ट के साथ में रखें और प्राइस को समझे। प्राइस को समझेंगे तो अपने को समझ में आएगा कि क्या है। उसके बाद में उसमें आप फार्मूला कुछ अपने अपने इंडिकेटर्स भी रहते हैं जो हेल्प करते हैं, वो भी लगा के चेक कर सकते हैं। तो उस हिसाब से, और ज़्यादा ये कुछ नहीं है, सीधा सिंपल प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन पे भी काम करेंगे ना, तो है क्योंकि इसको स्टॉक को बार बार अगर नीचे आ रहा है, अगर नीचे जाना है तो बार बार ऊपर क्यों आ रहा है? गिरने को उसको चांस मिले, किसी को अगर गिरने को चांस मिले और गिरना नहीं है तो क्या है, ऊपर ही जाना है, सीधी सी बात है। उसके बाद ये खंडवा सिक्योरिटी है, इसको भी अपने वॉच लिस्ट में रखें, कंटिन्यू वही पैटर्न है उसको भी। ये भी बहुत, मेरे पास बहुत सारे स्टॉक है जो अच्छे पैटर्न में चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको सब नहीं बताऊंगा, दो तीन स्टॉक के बारे में हर बार बात करते हैं। ये देखिए, जैसे ही इसको तोड़ेगा आप अपने, ये उसका फोटो खींच के निकाल के रख लो बोले, ये तोड़ने के बाद में आपको टारगेट सब देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। तो ये सब स्टॉक है जिसपे आप अपना वॉच लिस्ट रख सकते हैं। अभी ये बताने को जाऊंगा तो मेरे पास बहुत सारे स्टॉक है, दो तीन वॉच लिस्ट में स्टॉक फुल पड़े हैं, तो उसके हिसाब से वो बहुत टाइम जाएगा और आप भी बोलेंगे कि नहीं ये इतना टाइम ले रहे, तो मैं ये नहीं करूँगा। आप उस पर देखें, और आपके कुछ स्टॉक के बारे में कुछ क्वेश्चंस है या फिर कुछ जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं। जितना मेरे को आता है उसके हिसाब से मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, ज़रूर बताऊँगा, और जो भी रहता है मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ। ऐसा कुछ है नहीं जो हाइडन छुपा के रखता हूँ, जो मैं मेरे को आता है उतना मैं पूरा ये आपको उसमें बता देता हूँ कि हाँ प्राइस को ऐसा है, मैंने ये सिंपल वे में बताया इसके जो ये ऐसे स्टॉक कैसे ढूंढे, उसके स्कैनर भी देते हैं। तो स्कैनर भी आपको चाहिए तो मैं, आप कमेंट करेंगे मेरे को, तो मैं आपको स्कैनर भी दे दूंगा पर्सनल, जो भी मेरे को कमेंट करेंगे उसको मैं पर्सनल भेज दूंगा। और थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, लाइक नहीं कर रहे लाइक थोड़ा करें, जिससे कि हमारे को थोड़ा और अच्छा लगे और मैं और भी अच्छा कंटेंट, और इस प्राइस को भी कैसे और अच्छे से छोटे टाइम फ्रेम में कैसे पकड़े वो भी मैं बता दूंगा। और बैंक निफ्टी निफ्टी के हैचेज के वीडियो तो मैं डालता ही हूँ, उसमें और भी अच्छे अच्छे हैचेज हैं जिसके बारे में, अभी स्टॉक हैचेज के बारे में भी वीडियो डालेंगे, जो लाइव में मैं खुद लेके बताऊंगा आपको कि हाँ मैं स्टॉक में इस स्टॉक में ऐसे हैचेज डाल रहा हूँ, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हमारे चैनल पे आप जुड़े, जिससे आपको लाइव मालूम पड़ेगा। देखो, बताने से या वीडियो रिकॉर्ड करके कोई भी बताएगा, और चार्ट बने हुए चार्ट पे कोई भी ड्राइंग करके बता सकता है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन जब चार्ट बनने से पहले अगर कोई लाइव ट्रेड लेके या करके दिखाता है तो उससे अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो उसके लिए मैं जो भी हैचेस डालता हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ ऑन टाइम पे, मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट मेरे करता हूँ, मेरे मेरे री एनालिसिस के लिए, क्या मैंने उस टाइम पे क्या देख के मैंने डाल रहा, उसके लिए मैं चार्ट अपलोड करता हूँ, जिससे मेरे को, मैं बाद में वॉचआउट करता गया उस समय डाला था, कितना लॉस में लेके चल रहा था, कितना प्रॉफिट लेके चल रहा था, तो उस हिसाब से मैं डालता हूँ। तो उसको भी आप वॉच लिस्ट में रखें और हमारे चैनल पे बने रहें, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ उसका चार्जेस तो है नहीं। तो थैंक यू, और बैंक निफ्टी का कुछ एनालिसिस अगर देखना है तो मैं बैंक निफ्टी का मोटा, मुझे बैंक निफ्टी फिलहाल बहुत ही डेंजर्स जोन में बोलेंगे उसको, क्योंकि अभी यहाँ से कुछ भी हो सकता है मार्केट में, तो थोड़ा बैंक निफ्टी और निफ्टी से अभी डायरेक्ट जो भी ऑप्शन बाइंग सेलिंग करते हैं वो दूर ही रहें, और हैचेज भी करें तो थोड़ा संभल के हैच करें, क्योंकि मार्केट में कुछ अच्छे अनएक्सपेक्टेड मूव आ सकते हैं फिलहाल, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से कभी भी कुछ भी न्यूज उठ के आती है जिससे मार्केट रिएक्ट करता है अच्छा खासा, और मार्केट में फिलहाल अभी कुछ मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, लेकिन अपसाइड में अभी जाने में उसको टाइम लगेगा, धीरे धीरे अभी साइडवेज में ही है। तो ये जोन है, इस जोन में फिलहाल मैं निफ्टी कामकाज करेगा, 24,000 उसका सपोर्ट है और अभी बीच में है, और 25,000 इसका रेजिस्टेंस है, मुझे 1,000 पॉइंट का इसका रेंज है, इसमें निफ्टी आने वाले काफ़ी दिनों तक मेरे हिसाब से साइडवेज रह सकता है। अगर इसको नीचे जाता है तो अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, और अगर यहाँ पे सस्टेन होता है 1-2 दिन और फिर जाता है तो मेरे को लगता है 25,000 भी तोड़ के जा सकता है।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।